बीच में ऐसा क्यों आ रहा है? ऐसा बीच में वो था साइड से लो ना है ना बीच में बता ना
अभी गोलमाल में सब गोलमाल ही होगा, मैं खुद देखने आया हूँ क्या गोलमाल है, वो देखने आया हूँ भाई। अच्छा ही होगा, हमारे राजेश पुरी साहब इतने बड़े आर्टिस्ट हैं और बहुत ही प्ले अच्छा ही होगा, सब लोग मजे के आर्टिस्ट लोग हैं और राजेश पुरी साहब हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं। एक ज़माने में उन्होंने तहलका मचा दिया हुआ था टेलीविज़न, जब नया नया टेलीविज़न था हम लोग उसमें, हम लोग सीरियल जो था उसमें राजेश पुरी जी लल्लू का करेक्टर थे, पूरे देश में तहलका मचा दिया था। है जी, वेरी ग्रेट एक्टर, तो उनका ये प्ले है अच्छा ही होगा। नहीं, हम तो एंजॉय करने आए हैं बिल्कुल, और अच्छा होना चाहिए और बढ़िया प्ले हो गया। मुझे भी देखे बगैर मैं कैसे बोलूं। अभी दिलवाले आ रही है, हाउसफुल 3 आ रही है, होटल ब्यूटीफुल एक पिक्चर रिलीज है, वो मेरे ख्याल में रिलीज होगी। थैंक यू। चलो यार, किस तरह का शो होने वाला है? जिस तरह से पब्लिक का जोश देख रहा हूँ, शो विल बी गुड, एंड मेरे घर की फैमिली मेंबर हैं जो उसमें एक्टिंग कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज मेरा टाइम था और मैं प्ले देखने आया हूँ और मैं उनको गुड विशेस देता हूँ। और प्ले देखने के बाद ही मैं बोल सकता हूँ प्ले के बारे में, ओनली अभी आई कैन नॉट गिव गुड विशेस। कॉमेडी है, कॉमेडी तो इज फॉर एवरीबॉडी, नॉट मी। अगर आजकल की दुनिया में, आजकल के जमाने में लोग हंस जाए, इट्स अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन बाय द परफॉर्मर जो बोलता है कि किसी को हंसाने के लिए कोशिश कर सकता है। पता नहीं, मैं तो सेक्स कॉमेडी देखता नहीं हूँ, पिक्चर नहीं देखता हूँ, मुझे मालूम नहीं उसके बारे में। कॉमेडी हुआ जो दिल को अच्छी लगे, जो आपको लाइट मोमेंट दे, खुशी हो, हंसी आए, दिल से हंसे। अपकमिंग है, काफी है, करते रहते हैं, कभी टीवी कर लिया, कभी फिल्में कर ली, कभी स्टेज, मैं थिएटर भी कर रहा हूँ, सब मिलेंगे आपको। डेफिनेटली, क्योंकि इसमें माय डियरेस्ट फ्रेंड राजेश पुरी है और वो बहुत ही मजे में कलाकार है, मैंने उनके साथ खुद अभिनय किया है प्ले में, और उनका जो कॉमिक सेंस है, उनकी जो टाइमिंग है वो बहुत ही बेहतरीन है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि बहुत ही मज़ेदार इवनिंग होगी। और जब मुझे राजेश जी ने इन्वाइट किया तो मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि वैसे ही आपकी ज़िंदगी में जो टेंशन्स होते हैं, तो ऐसे लाइट तो फुल ऑफ फन ऐसे नाटक देखकर आपकी जो टेंशन है वो दूर हो जाते हैं। और वैसे भी बीइंग अ थिएटर पर्सन, सिंस आई एम फ्रॉम एनएसडी, तो थिएटर को मैं प्रोत्साहन देना चाहती हूँ, मैं खुद थिएटर कर रही हूँ और करना चाहती हूँ, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वंडरफुल इवनिंग। मैं तो यही कहूँगी कि जैसे आई विल नॉट
मैं तो उसको ऐसी सेक्स कॉमेडीज में मैं एक्ट नहीं करती, लेकिन जो लोग करते हैं उनको मैं बुरा नहीं मानती, क्योंकि जो हमारा जो सिनेमा है या नाटक है वो समाज का दर्पण है, या कोई भी साहित्य है, कला जो होती है समाज का दर्पण है, तो जो लोग पसंद करते हैं वही उनको दिखाया जाता है। जिस दिन लोग इसको देखना बंद कर देंगे, लोग ऐसी फिल्में जो सेक्स कॉमेडी वो बनाना बंद कर देंगे, क्योंकि सेक्स हाँ एक बहुत एक सच्चाई है जीवन की, पर उसको एक अच्छे तरीके से भी प्रस्तुत किया जा सकता है। मेरी फिल्म आ रही है एक तो वेडिंग पुलाव, और एक फिल्म है द ब्लैक ट्रूथ, वो जो कि रियल इंसिडेंट्स है जो बिहार में होते हैं उन पर बेस्ड है, उसको इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं, और यही है सब। सबसे पहले तो सब गोलमाल है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो शो से, किस तरह का शो होने वाला है? हम बिल्कुल ये तय करके आए हैं कि आज एक मज़ेदार शाम होगी, खूब हंसेंगे, और लौटते वक्त याद रखेंगे कि वाकई सब गोलमाल है। कुछ गलत नहीं है, कहने वाले और सुनने वाले अगर वो अपनी जुबान समझ लें तो कोई सही गलत नहीं है। अगर हम वोट कर सकते हैं, हमारी उम्र उसके लिए सही है, तो किसी भी चीज़ के लिए सही है। सिर्फ बेहुदा नहीं होनी चाहिए, बहुत ही घटिया नहीं होनी चाहिए। बाकी सेक्स तो सेक्स के वजह से हम लोग जिंदा हैं, आज हम पैदा हुए हैं, तो फिर सेक्स में क्या प्रॉब्लम है जी? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जरूर बहुत ही जल्द हम आपसे कुछ शेयर करेंगे।